जय राम जी की। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। आज साल का आखिरी दिन है, हम लोग थोड़ा सा आज भी पढ़ेंगे और मेरे से आप बात करेंगे तो पढ़ाई लिखाई की हम लोग बातें करते रहेंगे। हमारी एक छोटी सी दुनिया है, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनका सपना साकार हो, इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। लगातार जो भी हम लोगों से हो सकता है वो सब कुछ हम लोग करते हैं। यह वीडियो सीपीसी पार्ट 4 है। इस वीडियो में यह बताया गया है कि आप सीपीसी को किस तरीके से पढ़ेंगे जिससे मेंस और इंटरव्यू में शानदार मार्क्स मिले, और साथ में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। अगर आप में से किसी ने 32 बिहार मेंस दिया है तो आपके लिए कल का एक स्पेशल वीडियो आपके नाम होगा। उस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने विचारों से कमेंट करके हमें भी अवगत कराएंगे। तो ये वीडियो आप देखिए पार्ट 4, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आप अगर ये एहसास करें कि हम लोग ये जो एक्टिविटी चला रहे हैं यह कितना अच्छा है, कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो अपने कमेंट और सुझाव हमें जरूर देंगे। अपने दोस्तों, बैचमेट, सीनियर, जूनियर, हर किसी को बताएंगे। हम लोग यूट्यूब पे नए नए आए हैं, हम लोगों की सब्सक्राइबर रीच काफ़ी कम है, टाइम लगेगा, हर किसी को वक्त लगता है, हम लोगों को भी लगेगा। खासकर हम लोगों का कोई वो सोशल मीडिया टाइप का वो चैनल नहीं है। हम लोग आज के ज़माने में पढ़ने पढ़ाने में मन लगे तो अपने आप में ये एक छोटी बात नहीं कही जा सकती, ये बहुत बड़ी बात है। अगर पढ़ने पढ़ाने में आपका दिल लगे तो आज के दौर में, खैर अब जो भी है, थोड़ा टाइम लगेगा यूट्यूब पे हमें, हम लोगों की भी रीच बढ़ेगी समय के साथ साथ, लेकिन मीन वाइल आपका एक सहयोग हमारे लिए अनमोल होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों वगैरह सबको बताएंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, हमारे हर नए अपडेट्स, हर नई स्कीम्स और हर तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो सब सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए देखते हैं ये सीपीसी का पार्ट 4। सबसे पहले आज वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, और आज का जो क्वेश्चन है ये दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, डिग्रीज फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिग्री में तो कोई डाउट ही नहीं है। आज हम लोग ऑर्डर, जजमेंट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑर्डर का क्या डिफिनेशन दिया हुआ और कितना में दिया हुआ देख के बताइए, फोर्टीन तो उसमें कहीं फॉर्मल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 214 में, चेक कीजिए और बताइए। देखा आपने डिफिनेशन को, ऑर्डर यस सर, के लिखा हुआ फॉर्मल एक्सप्रेशन, यस सर, जस्ट तो बोथ डिग्री एंड ऑर्डर बोथ आर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन।
ये हम लोगों को याद रखना है, एंड दिस इज सिमिलरिटी बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री, सिमिलरिटी टू द एक्सटेंट कि बोथ आर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ये क्वेश्चन आज मैंने पूछा था, लेकिन आपको एक्सरसाइज कराने के लिए, आपको याद कराने के लिए ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया। हम लोगों के टेस्ट सीरीज के देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अपने ही टेस्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट किया हुआ। जब आप एग्जाम देंगे, जो सुपर टेस्ट सीरीज है, तो आप एहसास करेंगे, देखेंगे उन चीजों को। कुछ बच्चे लोगों ने एग्जाम भी दिया है और देखा भी है बिल्कुल उसी तरीके से। तो कमिंग टू द पॉइंट कि बोथ डिग्री एंड ऑर्डर आर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। कुछ बच्चे लोग आज डिस्कस कर रहे थे कि एडजुडिकेशन अलग है और डिसीजन अलग है। अब ये जो शब्द हैं एडजुडिकेशन या डिसीजन, इनका कहीं कोई डिफिनेशन दिया हुआ है सीपीसी में? एडजुडिकेशन या डिसीजन का कोई डिफिनेशन? नो तो हम लोगों को सिर्फ दो ही काम करना है, या तो जो स्टेट्यूट में डिफिनेशन दिया हुआ है बेयर एक्ट में, तो उसी डिफिनीशन को याद रखना है, और अगर डिफिनीशन नहीं दिया हुआ है तो जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है, कॉमन मीनिंग, उसको याद रखना है। हम लोगों को किसी भी शब्द का अपनी तरफ से स्पेशल डिफिनीशन नहीं देना है, उससे कन्फ्यूजन होगा और उससे काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ऑर्डर इज ऑल्सो एन एडजुडिकेशन, और इसलिए आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी ऑर्डर अपीलेबल हैं या कुछ ही ऑर्डर अपीलेबल हैं, क्या जवाब होगा? सम हाँ, फ्यू ऑफ द ऑर्डर्स आर अपीलेबल एंड फ्यू ऑफ द ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल। तो आप नॉर्मली देखेंगे कि जो अपीलेबल ऑर्डर हैं वो पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट को अफेक्ट करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि दैट इज व्हाई इट हैज बीन मेड अपीलेबल। लेकिन कोई ऑर्डर पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट को अगर अफेक्ट नहीं करता है तो वो ऑर्डर इज नॉन अपीलेबल। तो जो सुफारिश एमसीक्यू इज कंसर्न, क्या अब इसका आंसर होगा आपके स्क्रीन पे रहा, देखिए और बताइए। हाँ, नहीं बाकी बच्चे लोग देखिए बताइए। होगा क्या ऑप्शन होगा अब? सर। यस, करेक्ट। हाँ आपका मेंस का क्वेश्चन है कि फ्यू ऑफ ऑर्डर्स मे बी ट्रीटेड एज डिग्री, कमेंट विथ एग्जाम्पल्स। तो दो ऑर्डर तो आपके डिफिनीशन में ही दिया हुआ है कि वो डिग्री हो, डिम डिग्री माना जाएगा, और वो दो ऑर्डर कौन से दो ऑर्डर हैं? नॉन हाँ, नॉन अपीलेबल ऐसे नहीं हम बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ऑर्डर रिजेक्टिंग ए प्लेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर रिजेक्टिंग ए प्लेंट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिक्री। अब नाउ मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अब लिख के बताऊं। ये तो वाला चल रहा,
कल इन अच्छा ये कल वाले में ही पोस्ट कर दिया। हाँ ये मैं लिखता हूं और आप बताइएगा। इन दोनों में दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज है? अच्छा दोनों अलग अलग चीजें थी। तो ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट या ऑर्डर रिटर्निंग प्लेंट कौन सा डिग्री माना जाएगा? डिम डिग्री। ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट। बाकी बचे लोग क्या दिया हुआ है? ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। रिजेक्टिंग हाँ एंड प्लेंट। तो प्लेंट जो है वो कैन बी रिजेक्टेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 7 रूल 10 एंड ऑर्डर रिटर्निंग प्लेंट। तो प्लेंट को वापिस दे दिया गया कि आप दूसरे कोर्ट में फाइल कीजिए। तो दिस इज ए सिंपल ऑर्डर और ये ऑर्डर रिटर्निंग प्लेंट डिक्री नहीं होगा। तो आपसे पूछ देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रीटेड एज डिक्री। तो अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट की ऑर्डर रिटर्निंग प्लेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रिजेक्शन मतलब आपका केस जो है डिसमिस हो गया। आपके केस में कुछ नहीं है, कोई ग्राउंड मेड आउट नहीं होता है। हम लोग वो सारी तमाम चीज़ों को जब ऑर्डर 7 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। ऑर्डर तो 7 रूल 11 यस तो यस क्वेश्चन ऑफ यस यस तो अब क्वेश्चन इज कि प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड ओनली अपॉन द ग्राउंड्स। लेट मी एड प्लेंट जो है वो डेट कैन नॉट बी अदरवाइज रिजेक्टेड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। मैं अभी आपको ऑर्डर 7 रूल 11 नहीं पढ़ा रहा। एंड ऑर्डर 7 रूल 10 क्या है? रिटर्न ऑफ प्लेंट 7-10 एंड 7-11। ये 7-11 क्या है? रिजेक्शन या रिटर्न? रिजेक्शन। ये गलत मैं यहां लिख दिया। 7-10 इज रिटर्न। 7-10 इज रिटर्न एंड 11 इज रिजेक्शन ओपनिंग। यस तो अब आपको यहां पे अब थोड़ी सी दिखते हैं। अब जैसे ये जो शब्द है रिटर्न और ये जो शब्द है रिजेक्शन, ये जो शब्द है डिसमिस्ड या डिसमिसल, तो ये सारे शब्दों का डिफिनेशन नहीं दिया हुआ। हर चीज का डिफिनेशन नहीं दिया जा सकता। तो बस एक ट्रिक आपको अपनाना है कि जिन चीजों का डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है तो वो जो कॉमन बोलचाल की भाषा में जो कॉमन उसका मीनिंग है वही मीनिंग होगा। अब आप कि भैया रिटर्न का क्या मतलब होगा, रिजेक्शन का क्या मतलब होगा, डिफरेंस बिटवीन रिटर्न और रिजेक्शन में। हालांकि एक हमारे ये स्टूडेंट्स है, हालांकि उनका सिलेक्शन हुआ डीजेएस में, इंटरव्यू में बोलने के क्रम में उनसे स्लिप ऑफ टंग, उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 को रिटर्न बोल दिया, इसको रिजेक्शन बोल दिया। तो उनसे पूछा गया कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड रिजेक्शन।
तो रिटर्न आपको तभी होगा कि जब प्रॉपर कोर्ट में वो फाइल नहीं हुआ है, तो प्रॉपर कोर्ट में फाइलिंग के लिए रिटर्न किया जाए। हम लोग ये सारी चीज़ें ऑर्डर 7 में देखेंगे। एंड रिजेक्शन इज अपॉन ए टेक्निकल ग्राउंड, रिजेक्शन मे बी इक्विवेलेंट टू, आपको ये नहीं लिखना है कि रिजेक्शन इज डिसमिसल, या इस तरह से नहीं लिखना है कि रिजेक्शन मीन्स डिसमिसल, ये रॉन्ग है। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे, आपको ऐसे लिखना है रिजेक्शन मे बी ट्रीटेड एज। भी सर्टेन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट की जाती है ना। हाँ, वो रूल 11 में वो सारे ग्राउंड दिया हुआ है, जैसे कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, अंडर वैल्यूड है, टाइम दिया गया, उसके बाद भी प्लेंटिफ ने प्रॉपर्ली उसे वैल्यू नहीं किया, किसी कोई स्टेट्यूटरी बार है, डुप्लीकेट में फाइल नहीं हुआ, या रूल 9 के प्रोविजन के हिसाब से रूल 9 के प्रोविजन्स को अगर प्लेंटिफ कंप्लाई नहीं करता है, तो अब नाउ डिफिकल्टी जो होगी कि रिटर्न और रिजेक्शन पे आपको स्पेशल रिसर्च नहीं करना है। रिटर्न और रिजेक्शन पे अगर आप स्पेशल रिसर्च भी कर लेते हैं, और दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिकल भी लिख लेते हैं रिटर्न और रिजेक्शन पे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इरेलीवेंट है, तो आपका सारा टाइम एनर्जी और सारी वेस्टेज चली जाएगी। हद से हद आप कि भैया 7:10 में रिटर्न की बात की गई है, 7:11 में रिजेक्शन की बात की गई है, और इसके अलावा आपको एक लाइन और जानना है कि रिजेक्शन जो है डिम डिक्री है, रिटर्न नहीं। आपको इतने की ही जरूरत है, मतलब कहने का मतलब है ना कि आपकी टाइम और एनर्जी वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, हमने तो समझा दिया, अभी इसे बंद करते हुए आपसे पूछो कि रिटर्न या रिजेक्शन, इसमें से डीम डिग्री कौन सा रिजेक्शन है? यस, अब देखिए, अब बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसी तरीके से मेंस के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन हमने दिया था। फ्यू ऑफ द ऑर्डर्स में बी ट्रीटेड एज डिग्री, तो एक तो हो गया आपका रिजेक्शन, रिजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज डिग्री और नॉट, डिम डिग्री हो गया। दूसरा हो गया ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 दिया हुआ डेफिनेशन में, यस सर, रेस्टिट्यूशन, तो यस इस, सर, आपका टिप्पणी। हाँ, इस तरह से आप 10 मार्क्स का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कि फ्यू ऑफ ऑर्डर में बी ट्रीटेड एज डिग्री कमेंट विथ एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल आपने दे दिया, और इसको ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो हम लोग वही पॉलिसी ये है कि आपको पहले पढ़ाए, फिर उसमें घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछ दिए, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो गया। रिवीजन के साथ साथ जैसे आप ये करेंगे, तो फिर वो सारी चीजें मेमोरी में हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। आज हम लोग पिछले क्लासेज में तो वो सारी चीजें हो गई थी, प्रिलिमिनरी डिग्री। बड़ी बड़ी आप देखिए, वो हम लोग ऑर्डर्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना, अपीलेबल ऑर्डर, नॉन अपीलेबल ऑर्डर, तो वहाँ पे बकायदा एक लिस्ट भी हम लोग तैयार करेंगे कि कौन से ऑर्डर अपीलेबल हैं। जो जो ऑर्डर अपीलेबल है उनका लिस्ट रख लिया अपने पास, बाकी जितने भी ऑर्डर बचे तो अपने आप ही नॉन अपीलेबल हो जाएंगे। दिस इज वन नहीं डिक। सर, मेरा मेरा वो क्रिकेट गेम का सोच रहा है, मेरे पहले मतलब नॉन अपीलेबल ऑफ अच्छा, चलिए जस्ट 1 सेकेंड, मैं लिख के पूछ रहा हूँ।
मेरा सवाल है कि विच वन में बी ट्रीटेड एज डिग्री, जैसे ये लाइट चले एक रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। मिनट। नो नो, अरे पहले ऑप्शन तो मुझे देने दीजिए ना। ओके ओके क्या ऑप्शन होगा आपका? नॉन अपीलेबल ऑर्डर, नॉन अपीलेबल ऑर्डर। तो देखिए, बैठे बैठे आपका एमसीक्यू एक अच्छा सा एमसीक्यू बन गया। आप बारीकी से पढ़े समझे, 1 सेकंड भी नहीं लगा, एकदम आंसर आ गया आपका। तो देखिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉन अपीलेबल ऑर्डर, अपीलेबल जैसे जैसे ही ऑर्डर अपीलेबल हुआ तो डिक्री नहीं होगा, ये बात कहीं लिखी हुई है सेक्शन 2 में? हाँ, यस सर, यस तो सर। ये बात, ऑर्डर जैसे ही अपीलेबल हुआ तो वो सीधा गया और फिर वो डिक्री नहीं होगा, लेकिन नॉन अपीलेबल ऑर्डर है तो डिक्री हो सकता है। और इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जितने भी नॉन अपीलेबल ऑर्डर हैं सारे के सारे डिक्री हो जाएंगे। ओनली फ्यू ऑफ द नॉन अपीलेबल ऑर्डर मे बी ट्रीटेड एज डिक्री। तो इसको एक लाइन से ज्यादा हम लोगों को एग्जाम में नहीं बोलना है। अब पूरे सी के अंतर्गत कौन से नॉन अपीलेबल ऑर्डर हैं? तो ऑर्डर की संख्या अनलिमिटेड है, हर रोज कोर्ट कोई ना कोई ऑर्डर पास करती है, पूरे सूट के दौरान, पूरे प्रोसीडिंग्स के दौरान हर रोज ऑर्डर पास होता है। उस सारे के सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते, फ्यू ऑफ द ऑर्डर्स आर अपीलेबल। एंड नॉन अपीलेबल ऑर्डर अगर सेक्शन 2 को हम पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि फ्यू ऑफ द नॉन अपीलेबल ऑर्डर मे बी डिक्री बाई रीडिंग सेक्शन 2। और इसको जैसे ही हम लोग आगे को बढ़ेंगे और एक लिस्ट बनाना शुरू करेंगे कि भैया 10 5 नॉन अपीलेबल ऑर्डर जो कि डिग्री होंगे, तो ये हम लोगों का बनाने को तो बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये एक्सरसाइज टोटली वेस्टेज होगा। मतलब हम लोग काम वैसा करें, एक रेलिवेंट जो हम लोगों के लिए जो चीजें रेलिवेंट हैं उनको पहले करेंगे। तो अब इससे ज्यादा इसको नहीं करना है, मोर देन सफिशियंट। और हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक थे? हाँ, ये प्रीलिमिनरी प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री हो गया था। शंकर चंद्रकांत का भी केस हम लोग कर लिया था, और ये डिम डिग्री वगैरह कर लिया था हम लोगों ने। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री और डिम डिग्री में, हालांकि कर लिया था हम लोगों ने पिछले क्लास में, लेकिन ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड डिम डिग्री। इंटरव्यू में भी खूब पूछा जाता है, डिग्री पूछेंगे तो डिम डिग्री क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो
और इस पे शॉर्ट नोट्स भी आने वाले एग्जाम में आप देखिएगा कि पूछा जाएगा आपसे, डिग्री और डिम डिग्री। तो डिम डिग्री के बारे में तो डिम डिग्री को हम लोग लीगल फिक्शन कह सकते हैं। अब एडजुडिकेशन व्हिच नॉट फुलफिलिंग द रिक्विजिट्स ऑफ सेक्शन टू, डिग्री का यही सेक्शन है सेक्शन टू टू। हाँ, द एडजुडिकेशन व्हिच नॉट फुलफिलिंग द रिक्विजिट्स ऑफ सेक्शन टू टू बाय ए लीगल फैक्शन लीगल फिक्शन कैन बी ट्रीटेड एज कैन बी ट्रीटेड एज डिम डिग्री। कैन बी ट्रीटेड एज डिग्री ना, ये तो डिम डिग्री के बारे में ना, एडजुडिकेशन व्हिच इज नॉट फुलफिलिंग। एडजुडिकेशन अगर फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन टू टू तो डिग्री होगा या डिम डिग्री? डिग्री होगा, डिग्री होगा वो सर। हाँ, और एडजुडिकेशन, हाँ, और एडजुडिकेशन व्हिच नॉट फुलफिलिंग तो वो लीगल फिक्शन के द्वारा कैन बी ट्रीटेड एज डीम डिग्री। फॉर एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है सेक्शन टू टू में? हाँ, तो इनके आपने ये उदाहरण दे देना है आपको। और जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है, अगर मान लीजिए कि प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो वेदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, प्लेंट रिजेक्ट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा जो हम लोगों को और जानना है, अब थोड़ा सा ये पढ़ना है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये तो जान गए, और प्लेंट आपका रिजेक्ट हो गया तो कैन यू फाइल ए फ्रेश सूट और नॉट? ऑन सेम ग्राउंड, ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन? यस सर, यस सर। वो कहाँ दिया हुआ है प्रोविजन उसका? हाँ, उसको पढ़ के सुना दीजिए। दैट्स वेरी गुड। ऑर्डर सेवन रूल थर्टीन, सर, वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट, द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स हियर इन बिफोर मेंशन शैल नॉट ऑफ इट्स ओन फोर्स प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फॉर प्रेजेंटिंग अ फ्रेश तो प्लेंट अगर रिजेक्ट भी हो गया तो भी प्लेंटिफ चाहे तो फ्रेश प्लेंट ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम पार्टी ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर कैन ही फाइल और नॉट? या ही कैन फाइल। सेवन थर्टीन के मुताबिक ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आपको दे रहा है डीम डिग्री। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डीम डिग्री है या नहीं है? मेरे से सहमत नहीं होइएगा, पहले आप सोचिएगा। मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डीम डिग्री है या नहीं है? यस सर, यस सर है। तो ये किस तरह का डीम डिग्री है?
अरे डिक्री एक बार हो गया, एक बार कोई ऑर्डर फाइनल हो गया तो रेस जुडिकाटा इसी ग्राउंड पे बेस्ट है आपका, कि मैटर वन रेस वंस एडजुडिकेटेड कैन नॉट बी री एजिटेटेड। रेस हम मतलब राइट, रेस एंड जुडिकाटा मीन्स एडजस्ट डिसाइडेड, वंस ए राइट डिसाइडेड कैन नॉट बी री एजिटेटेड। एक बार कोई मसला डिसाइड हो गया तो मसला फिर से एजिटेट नहीं किया जाए। तो डीम डिग्री होने के बावजूद भी क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट विल सर्व एज रेज जुडिकाटा और विल नॉट सर्व एज रेज जुडिकाटा? अब मान लीजिए कि ए ने कोई सूट, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, और मामूली सा सवाल है और उससे बच्चे लोग घबरा जाते हैं। आप अगर ठीक से इनको सीक्वेंस में कीजिएगा तो एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप बना ना सके। अब क्वेश्चन देखिए, अब इसको मैं पहले समझा दूं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अब क्वेश्चन इज कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या रेज जुडिकाटा होगा या नहीं होगा? नो सर, अब मान लीजिए ए अब क्वेश्चन है, ए फाइल्स ए सूट अगेंस्ट बी, हाउएवर दिस सूट वॉज रिजेक्टेड आउटराइटली आफ्टर 6 मंथ्स। ए फाइल्स एनदर सूट अगेंस्ट बी ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन फॉर द सेम पार्टी बी टेक्स द, आगे बी टेक्स द ऑब्जेक्शन बी टेक्स द ऑब्जेक्शन डेट प्रीवियस रिजेक्शन इज बार अगेंस्ट द प्रेजेंट सूट। डिसाइड, ये आपका एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल देखने को लाइनें हैं लंबी से, और ये 0/0 क्वेश्चन है। इसमें अगर आप इस चीज को समझ गए तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। आप पढ़िए, ट्राई कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो प्लेंटिफ को प्रिक्लूड नहीं करेगा फ्रेश सूट फाइल करने के लिए। यस सर, अभी आपको बताया गया ना कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्लेंटिफ फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग ए फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन विद इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डर 7 रूल। तो यहाँ पे वही कहानी हो रही है कि ए ने एक सूट फाइल किया, वो रिजेक्ट हो गया, 6 महीने के बाद दूसरा सूट फाइल कर दिया, तो दूसरा सूट बार होगा कि नहीं होगा? नहीं हुआ सर, नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ है, कितना सिंपल क्वेश्चन और कितना वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइनें घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दी गई हैं। अब
मैं अगर आपसे पूछूं एज ए टीचर, अब जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक टारगेट सेट किया है कि आपको मेंस में 120 प्लस स्कोर करना होगा या नहीं होगा, वो बात की चीज है, लेकिन उस लक्ष्य के लिए हम लोग कोशिश कर रहा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? वेरी इजी तो इजी वेरी इजी तो ये वेरी इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि आप समझे प्रोविजन को, इसलिए लग रहा। नहीं समझते तो, लगता नहीं समझते तो यही आपके लिए एक सरदर्दी भरा क्वेश्चन हो सकता था कि बहुत टेढ़े क्वेश्चन थे। तो इसीलिए समझना जरूरी है, और समझ के ये सारा समझे। तो अब जैसे मैंने इलस्ट्रेशन बना के आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के केवल पढ़ना और समझना, पढ़ना समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने समझने के साथ अगर एक्सरसाइज हो जाए तो थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा पहले से। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज कराएगा। तो ये देखिए, ये अपन अब इसी पे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे देगा कि वेदर डिम डिग्री कैन बी ट्रीटेड एज रे जुडिकाटा और नॉट। नो देखिए, इन सम केसेस ये डिम डिग्री मे नॉट क्रिएट ए बार ऑफ रे जुडिकाटा, और वही रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से आपको रिलेट कर दे इन सम केसेस। तो देखिए, आपको आप डिग्री पढ़े कितना, 5-10 मिनट में ये एक्सरसाइज हो गया आपका। इन एक्सरसाइजों को आपने कॉपी में नोट कर लिया। आपने सिर्फ डिग्री ही नहीं पढ़ा, आपने ऑर्डर 7 भी पढ़ा, रूल 11 भी पढ़ा, रूल 10 भी देखा, आपने रूल 13 भी देखा, आपने रेस जुडिकाटा भी देखा। कल मैं आपको घुमा फिरा के ग्रुप में एक क्वेश्चन इसी से घुमा फिरा के पूछ दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब मैं नहीं समझता कि अब दिक्कत होगी, अब सब लोग आंसर कर सकेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। ये डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट क्या डिग्री होगा या नहीं होगा? नहीं हाँ, होगा तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डिग्री नहीं है। तो मतलब अभी तो आप बता रहे हैं कि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डिग्री नहीं होगा, याद भी है, कोई मिस्टेक भी नहीं। 2 महीना के बाद आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डिग्री होगा कि नहीं। तो इसको आपको करना क्या है कि हम लोगों के स्टडी मटेरियल के अलावा अपनी एक कॉपी रखनी है, और उस कॉपी में आपको ये सारी चीजें नोट करके रख लेनी है, ताकि रिवीजन के पर्पस से, ये भूलने की थोड़ी बीमारी होती है, आपकी मेमोरी में जितनी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी एग्ज़ाम आपका उतना ही अच्छा होगा। अब मान लीजिए बाद में आप भूल गए तो आपको पूरा निकाल के देखना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा रिवीजन में। तो समझदारी बस इतनी ही है कि पढ़ने के साथ साथ आप अपना एक हैंडमेड कुछ इस तरह की चीजें सिलसिलेवार ढंग से बनाइए कि रिवीजन आपका अच्छा हो सके। और अपीलेबल ऑर्डर हम लोगों ने कर ही लिया कि वो डिग्री अपीलेबल ऑर्डर डिग्री होगा नहीं होगा? नॉन एप्लीएबल नो सर नो सर अब ऑर्डर, तो ऑर्डर का जो डेफिनेशन है कितने में दिया हुआ? ऑर्डर का 2 कितना? 2 14 14 14 हाँ, तो ऑर्डर भी जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट ए डिग्री। देखिए, मेरे पास अभी बेयर एक्ट नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा। बेयर एक्ट हमेशा अपने सामने रखना है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन
ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिग्री। मेरा सीपीसी का बेयर एक्ट, कोई पड़ोस में एक बच्चा रहता, थोड़ी देर के लिए ले गया, अभी दे के नहीं गया। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिग्री। देखिए तो यही डिफिनेशन दिया हुआ है। तो एडजुडिकेशन ऑफ ए कोर्ट विच इज नॉट ए, क्या अब मान लीजिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें, एडजुडिकेशन नॉट अमाउंटिंग टू डिग्री कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑर्डर। क्या ऊपर वाले लाइन को दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है? देखिए ये एडजर्शन रीजनिंग के हिसाब से देखिएगा। सर आई थिंक नहीं कहा जा सकता सर। एडजुडिकेशन नॉट अमाउंटिंग टू डिग्री, आपको क्या कहा जा रहा है कि एनी डिसीजन, ये ऑर्डर का डेफिनेशन है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन, वैसे डिसीजन जो डिग्री नहीं है। 214 को एक बार पढ़िए और विचार कीजिए, क्या ये बात है कि सच डिसीजन विच आर नॉट डिग्री कैन बी ट्रीटेड एज ऑर्डर? यस सर नहीं नहीं तो डिसीजन को हम थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर दिए एडजुडिकेशन से। डिसीजन, आज बच्चे लोग पोस्ट कर रहे थे ग्रुप में कि डिसीजन में एडजुडिकेशन में एविडेंस जरूरी है, डिसीजन में एविडेंस नहीं जरूरी है। अब देखिए कोई भी डिसीजन बगैर एविडेंस के, तो ये सारी चीजें कहीं लिखी हुई नहीं है कि डिसीजन में एविडेंस की जरूरत है कि नहीं है, एडजुडिकेशन में एविडेंस की जरूरत है कि नहीं है। डिसीजन को जजमेंट कहेंगे कि क्या कहेंगे कि एडजुडिकेशन को जजमेंट। देखिए जजमेंट इज समथिंग एल्स, दैट इज ग्राउंड ऑफ रीजनिंग। वो जजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि देखिए आप गलत तरीके से अगर चीजों को समझेंगे तो अपने लिए आप एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आपको जहां जरूरत है वहीं अपनी एनर्जी लगानी है, और जहां जरूरत नहीं है तो वहां पे एनर्जी नहीं लगानी है। तो खैर एनीवे चलिए, तो अब ये पूछा जाए कि ऐसे डिसीजन जो डिक्री नहीं है उनको ऑर्डर कह सकते हैं? हिंदी में लिख देता हूँ, क्या सकते हैं हिंदी वाले बच्चे लोग कहते हैं कि सर हिंदी के साथ आप अत्याचार करते हैं। अब चलिए भाई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, लिख देते हैं, गलती होगा तो इतने हमको ठीक कर दीजिएगा, हमको उतना नहीं आता है। ऐसे निर्णय, कैसे लिखते हैं, ऐसे निर्णय जो डिग्री को क्या कहते हैं भाई हिंदी में, ऐसे निर्णय जो डिग्री नहीं माने माने जाते हैं उन्हें आदेश कह सकते हैं। अब टूटा फूटा हिंदी लिख दिया है भाई, आप लोग ठीक कर लीजिए अगर कहीं मिस्टेक हो तो। क्या इसको, इसी चीज को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे डिसीजन जो डिग्री नहीं है उन्हें ऑर्डर कह सकते हैं? यस सर कह सकते हैं यस सर तो ये तो आपकी दूसरी लाइन हो गई। ये तीसरी लाइन, एडजुडिकेशन नॉट अमाउंटिंग टू डिग्री कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑर्डर, ये दूसरी और तीसरी लाइन एक ही ऐसी है या अलग है? तीन, ये तीनों एक ही है
तो देखिए, ये कहने कहने का एक जरिया। अब ऐसी चीजें, इनमें आप जल्दबाजी करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस काफी हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लॉ को आराम से आप अपनी छोड़िए। अगर मैं भी जल्दबाजी करूंगा तो इतने साल होने के बावजूद भी मेरे से भी गलतियां हो सकती है। तो एक नियम जरूर रखिएगा गुरु मंत्र के तौर पे कि जल्दबाजी कभी भी नहीं करेंगे। वो करेंगे तो आप समझिए कि बहुत बड़ी मुसीबत अपने लिए पैदा करना। तो हम लोगों को ऑर्डर में कुछ नहीं मिला सीखने को, केवल एक लाइन सीखे कि जो भैया डिग्री नहीं होगा वो ऑर्डर होगा। मतलब ऐसे डिसीजन जो डिग्री नहीं है वो ऑर्डर होंगे, यही ना? उसका भी वो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है। इस एक लाइन से ज्यादा कुछ है सीखने को? नहीं ये इंटरैक्टिव क्लास है, चुप नहीं रहना है, आपको सुनना है, विचार करना है और जवाब देना नहीं है। देखिए, एडजुडिकेशन और डिसीजन का कोई डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो एडजुडिकेशन और डिसीजन को सामान्य बोलचाल की भाषा में, डिसीजन सीपीसी पढ़ रहे हैं तो डिसीजन मीन्स आल्सो एडजुडिकेशन, और एडजुडिकेशन मीन्स डिसीजन। दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन दोनों के मोटा मोटी एक ही मीनिंग होंगे, क्योंकि जजमेंट डिफाइंड, अब जजमेंट डिफाइन किया हुआ, जजमेंट का डिफिनेशन दिया हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि जजमेंट और डिसीजन में अंतर। सामान्य बोलचाल की भाषा में दोनों एक ऐसा लग रहा है, जजमेंट और डिसीजन, यस सर, लेकिन जजमेंट में ग्राउंड ऑफ रीजनिंग, रीजंस का होना जरूरी है। यस सर, यस सर, आप बिना रीजनिंग के भी किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते। आप तो ये देखिए, डिसीजन में रीजनिंग हो सकता है, अगर रीजनिंग है तो डिसीजन अच्छा हो सकता, लेकिन सीपीसी ने तो कहीं डिसीजन को नहीं डिफाइन किया है। कहीं सीपीसी में है डिफिनेशन कि हम लोग डिसीजन किसे कहेंगे? तो नो सर, नो सर, नो सर, नो जब सीपीसी में नहीं, देखिए, जब हमारा कानून कोई बनता है तो जो हमारे लॉ मेकर, जो भी लॉ कमीशन वगैरह या जो भी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो उनके साथ भी यही समस्या होती, उनकी भी मजबूरियां होती कि वो हर चीज को नहीं, मुझे भी किसी को भी बिठा दिया जाए तो कोई भी सारी चीजों को नहीं डिफाइन कर सकता, और अगर डिफाइन कर दिया जाएगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो मेन मेन चीजों को डिफाइन कर दिया गया है, और जो बाकी चीजें, तो अब मान लीजिए कि डिसीजन को डिफाइन ही नहीं किया गया सीपीसी में, आप जबरदस्ती का एक डिफिनीशन इसमें दे रहे हैं कि डिसीजन बिना एविडेंस के होगा, तो एविडेंस का ये काहे को जबरदस्ती करता? ये जबरदस्ती करेंगे, कहीं इधर उधर स्लिप हुआ तो फिर सारा आंसर गलत होगा। तो डिसीजन को भी नहीं डिफाइन किया गया है, एडजुडिकेशन को भी नहीं डिफाइन किया गया है, और अगर केस लॉ की बात करें तो बहुत सारे केस लॉ डिसीजन पे भी मिल जाएंगे। कानून एक एंडलेस सब्जेक्ट है, और अगर हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए रिसर्च भी करें बैठ के कि जजमेंट और डिसीजन में क्या अंतर है, चलिए हम विद्वान बन गए जजमेंट और डिसीजन में रिसर्च करके कि हम सारा केस लॉ समझ गए, विद्वान भी हो गए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे हमको लाभ क्या होगा? हम एक छोटे एंगल में यहाँ फंस गया जो एग्जाम से के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग क्या अपना एनर्जी और टाइम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या वेस्टेज करेंगे? अगर इन चीजों में उलझ जाए तो
नहीं करना है, वेस्ट। हाँ, तो हम लोगों को बस अपनी एनर्जी वहीं लगानी है। देखिए, 10 में से आपको 6 ही लिखना है, 10 में से 10 नहीं लिखना है। तो सबसे पहले तो आप अपना होल सिलेबस तैयार कीजिए, और जब होल सिलेबस तैयार हो जाए, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है, तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। तो चलिए, ये समझाने के लिए कि डिसीजन और एडजुडिकेशन का कोई स्पेशल मीनिंग मत दीजिए। डिसीजन भी सीपीसी पढ़ रहे हैं तो जुडिशियल डिसीजन की बात हो रही है, एडजुडिकेशन भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन की बात करता है, लेकिन जजमेंट भी सामान्य बोलचाल की भाषा में जजमेंट, डिसीजन, एडजुडिकेशन एक ही चीज है। लेकिन जजमेंट के लिए रीजनिंग का होना, अगर रीजनिंग नहीं है तो जजमेंट नहीं है। आप जीवन में भी किसी निर्णय पे पहुंचे हैं तो, लॉ स्टूडेंट हैं तो, बिना रीजनिंग के आप किसी निर्णय पे पहुंचे तो अच्छा होगा। जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आप किसी निर्णय पे पहुंचते हैं बिना रीजनिंग के, किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके आपने कोई फैसला कर लिया है, क्या ये अच्छी बात है? या उसके लिए किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए आपको रीजनिंग की आवश्यकता तो रीजनिंग की नीड है। है? हमारे घर वाले उधर बैठ के हंस रहे हैं कि पढ़ाते पढ़ाते क्या उदाहरण। चलिए, एनीवे, थोड़ा सा लाइटर मोड में, तो जजमेंट, देर कैन बी नो जजमेंट अनलेस देर इज रीजनिंग। तो ये सब आपका बुलेट पॉइंट है इंटरव्यू में। आप अगर इस तरीके से, तो वो भी आपका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। मेंस में भी जहाँ कहाँ कहीं मौका आपको लगा, तो इस तरीके से आप हाईलाइट करके, मतलब उन चीज़ों को एक्सप्लेन करें, तो यही आपकी आर्ट या स्किल, राइटिंग स्किल बन के आएगा। तो चलिए, ये ऑर्डर जजमेंट जजमेंट हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब ऑर्डर और डिग्री में जो सिमिलरिटीज भी है, अगर अब कहा जाए कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मे बी आइदर डिग्री, ऑर्डर नहीं, ऐसे कहता, एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट में भी आइदर डिग्री और ऑर्डर, ये बात ठीक है गलत सही है सर, है? क्या ये, सही है, क्या दोनों हो बिल्कुल सकता है? इसको आगे एक, सही है। इट कैन नॉट बी बोथ, ये दोनों में से एक ही होगा, या तो डिग्री होगा या ऑर्डर होगा, दोनों होगा एक ही साथ में, तो इट कैन नॉट बी बोथ, दूसरी लाइन निकल के आ गई आपकी। लेकिन दोनों में, ऑर्डर और डिग्री में, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? देयर एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हाँ, हम लोग सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, और अपना नाम बताइए। आई एम वेरी हैप्पी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोथ आर फॉर्मल एक्सप्रेशंस, बोथ छुटिया। रिपुंजय अच्छा, रिपुंजय, चलिए, मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा ना, इधर है, बोथ आर फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ एडजुडिकेशन, ये तो पहला बिल्कुल अच्छा आपने बताया। दूसरा बताइए, क्या सिमिलरिटी है दोनों में? सोचिए, मैटर,
दोनों मैटर इन कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हो सकते हैं। सर दोनों जजमेंट मतलब न्यायाधीश के द्वारा जजमेंट में दिए जाते हैं, बोथ मतलब दोनों का डिराइव एक ही जगह से होते हैं दोनों। बोथ आर रिलेटेड टू मैटर इन कंट्रोवर्सी, इस पे विचार कीजिए। जो पार्टी के राइट्स वगैरह इन्वॉल्व है उसी के संदर्भ में होंगे या किस संदर्भ में होंगे? सेकेंड पॉइंट पे विचार उसी कीजिए। संदर्भ में होंगे सर, उसी कॉन्टेक्स्ट में होंगे। तीसरा, बोथ आर एडजुडिकेशंस ऑफ कोर्ट, दोनों के द्वारा पार्टी का राइट डिसाइड किया जाता नहीं किया जाता? राइट लाइबिलिटी चाहे डिक्री हो चाहे ऑर्डर हो, तो क्या हम लोग कह सकते हैं तीसरा बोथ आर एडजुडिकेशंस ऑफ कोर्ट? यस सर, चौथा पॉइंट कि बोथ आर डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट। अब एग्जाम में थोड़ा एक हम लोग इंडियन है, थोड़ा फीलिंग है कि पॉइंट बढ़ा के जो लिखता है थोड़ा, हालांकि तीसरा चौथा एक ही पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर को अरे ये वो पॉइंट दो गो लिख ले, ये चार गो लिखा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी बोथ आर डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट। तो जब भी बात हो सिमिलरिटी की तो ये चार पॉइंट बुलेट पॉइंट आप अपने कॉपी में हमेशा नोट रखिएगा। तो ऑर्डर और डिग्री में सिमिलरिटी क्लियर या कोई डाउट? कोर्ट दोनों में डिफरेंस कुछ? यस, की जगह पर अगर हम यहाँ पे जज लिखे तो ज्यादा सही होना चाहिए ना। ज्यादा बेहतर होगा, कोर्ट बेहतर होगा, जज को ऐसे। या ठीक है, एक डेफिनेशन मिनट थोड़ा होल्ड डिफरेंट कीजिएगा। हाँ हाँ जी, ले जाओ, पापा का फोन है, पूछो किस लिए फोन किया। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर, वो बीच में फोन आ गया, वो पापा का फोन आ रहा था, बात कटो। तो जज की जगह आप कोर्ट लिखा, जज का आदेश अगर हमें यूज करना हो कि जज का आदेश या कोर्ट का आदेश, अदालत का आदेश या जज का आदेश, क्या कहेंगे? अदालत तो देखिए, मैंने शुरुआती ही क्लास में कहा था कि शब्द ब्रह्मांड होता है। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपके कॉमा और फुल स्टॉप का भी एक मीनिंग होता है। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है जो सब लोग यूज करते हैं वो तरीका ज्यादा बेहतरीन होगा। यस रिपुंजा, सर, तो सिमिलैरिटी में हम ये भी लिख सकते हैं कि केस में एक से ज्यादा डिग्री भी हो सकती है, एक से ज्यादा ऑर्डर भी हो सकते हैं। देयर लिख आर नो लिमिटेड सक नंबर्स फॉर डिग्री सर। लिख सकते हैं कि अब लेकिन एक से ज्यादा डिग्री भी हो सकती है, प्रिलिमिनरी डिग्री, तो ये भी लिख सकते हैं पांचवा पॉइंट। लेकिन इतना कुछ है, मोर देन वन डिग्री एंड मोर देन वन ऑर्डर इन ए केस। ऑर्डर तो हर रोज ही ऑर्डर पास हो, अगली तारीख क्या होगी उसका भी ऑर्डर होता है, नहीं होता? पांचवा पॉइंट थोड़ा नहीं लग रहा है कि बहुत जबरदस्ती से लिखा जा रहा क्या? तो चौथा भी लग रहा है। हाँ अब लग रहा है, चलो अब मन करे तो लिख देना, लेकिन अब क्या कहा,
अब दिल हो तो लिख देना, अब क्या कहें आप। अब हम लोग आ जाते हैं, में यस लिखा जाता है, तो वो डिफरेंसेस में लिखा जाता है कि सामान्यतः किसी भी वाद में एक डिक्री होता है, किंतु आदेशों की संख्या कई हो सकती है। हम लोग अब डिफरेंसेज करेंगे, डिफरेंसेज करेंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम निकल जाएगा, टाइम हो चुका है हम लोगों का थोड़ा सा। अब जैसे ये क्लास में पढ़ाने का कम, पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है और रियाज किस तरीके से करना है, ये क्लास उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। अब जैसे आज चौथा क्लास हुआ, हकीकत में ये दो क्लास की ज़रूरत थी, क्योंकि एक इंट्रो टाइप का कि बहुत सारे बच्चे लोगों को, अब जैसे डेमो के लिए, डेमो नहीं कहेंगे, फ्री क्लास कह सकते इसको, डेमो तो हम लोग देते नहीं एज पर रूल, एक फ्री क्लास के तौर पे कि बहुत सारे बच्चे लोगों की क्वेरी रहती है कि वो पढ़ें कैसे, किस तरीके से पढ़ें। अगर आपका पढ़ने का और समझने का तौर तरीका अगर मान लीजिए कि ठीक नहीं है तो फिर खतरा हो सकता है। तो और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप पढ़ने का तौर तरीका आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी कोचिंग में ही जाए। मैं एक कोचिंग वाला हो के कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग में ही जाने का, कोचिंग में आपको केवल मोमेंटम मिल सकता है, कंसिस्टेंसी मिल सकती है, एक्सप्लेनेशंस मिल सकते हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें फायदेमंद हो सकती है आपको। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेल्फ स्टडी बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है, मैं हमेशा यही बोलते रहता हूँ। एक था बच्चे लोगों का कि सर कैसे करें, किस तरीके से, तो हमने एक नमूना के तौर पे दिखाया कि आप जब भी पढ़ें तो समझते हुए पढ़ें, उनका थोड़ा एक्सरसाइज कर लें तो वो आपके लिए बेहतर होगा, चीजें याद भी रहेंगी, एरर के चांसेस कम रहेंगे। अब सेकेंड क्लास है आपका कॉन्ट्रैक्ट का।